ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, मैं हूँ फिरोज हाशमी। मुमरा के कौसा इलाके के पास सैनिक नगर इलाका है, जहाँ पर आज शाम 6 बजे के करीब अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक लगी कि घर में रखे कीमती सामग्री जलकर राख हो गया। जिस वक्त ये घटना घटी है, वहाँ पर एक 10 साल का बच्चा जो सोया हुआ था, लेकिन बच्चा इस आग से बाल बाल बच गया। लगभग 2 घंटे तक पूरे इलाके में हंगामा मचा रहा। हम आपको दिखा रहे हैं सैनिक नगर में 1+1 चाल जो भारत कॉलेज के पास है, पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। और इस वक्त हमारे संवाददाता सबिया हुसैन शेख, जो इस वक्त घटना स्थल पर मौजूद हैं, हम जानते हैं क्या जानकारी है, स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा है। मैडम, अभी आज शाम में 5 बजे जो एक बारिश का झटका आया था, बहुत तेजी से बारिश है, उसी पीरियड में ना बहुत तेजी से एक लाइट का शॉर्ट सर्किट हुआ शायद बिलाल के पास, उसकी वजह से ना यहाँ पे भी कई एक जगह पे हुआ, लेकिन ये जो घर के अंदर लाइट गई है उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ है। शॉर्ट सर्किट लगने की वजह से इस घर के अंदर आग लगी है। और मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि हमसे पहले फायर ब्रिगेड के आने से पहले हमारे मोहल्ले के जो नौजवान है, इन लोगों ने देखा और इन लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डाल के, वो घर ताला लगा हुआ था, उस घर की जो मालकिन जो रहने वाले भाड़ूत्री थी वो बाज़ार गए थे या कहीं गए थे, इन लोग ने अपनी जान की वो फिक्र नहीं किया और उस घर के छत पे चढ़ के पत्रे को पत्थर से तोड़ के घर के अंदर घुसे और उस घर की आग को कंट्रोल किया, नहीं तो यह बड़ा हादसा हो सकता था। तो इस घर में कोई और मौजूद था? नहीं, इस घर की बच्चा था, शायद बाहर था वो भी। तो उसको कोई जान नहीं, कोई जानी माली कोई नुकसान नहीं हुआ, पड़ोस में भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जो भी नुकसान हुआ उस गरीब का हुआ जो उस घर में रहती थी, जो भी उनके सामान थे वो जल के खाक हो गए हैं, लेकिन जानी नुकसान अल्लाह का शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड कितने लेट? फायर ब्रिगेड 15 मिनट के अंदर आ गई थी। हाँ, जैसे मुझे मालूम पड़ा मैंने फ़ोन किया, 10 से 15 मिनट में फायर ब्रिगेड आई। आपको भी मालूम क्या ट्रैफिक है और गली में आने में 10 से 15 मिनट, मतलब विद इन टाइम पे आ गई थी फायर ब्रिगेड, लेकिन उससे पहले तक ये बच्चे लोग ने वो अपना काम कर चुके थे। आपने सुना स्थानीय नगर सेवक शाह आलम, जो घटना स्थल पर मौजूद हैं, जो उन्होंने जानकारी दिया है। और शॉर्ट सर्किट की वजह से जिनका पूरा घर जल गई है, पूरी तरह से राख हो गई है, इस पूरे मामले में उनका क्या कहना है वो भी जानते हैं। ये आग लगी मैं नहीं बता सकती, मैं क्योंकि थी नहीं घर में, मैं अम्मा को छोड़ने गई थी भाभी के साथ, अपने अब भी मैं ज्येष्ठा ही हूँ घर पे और कुछ नहीं मालूम। घर में कोई और भी बच्चा छोटा था, सोया था, वही बताया सबको, इधर फूफी उफी रहते थे वही आके बताया, तो फूफी लोग आके देखे, मैं फोन करी बहन के पास से, मेरी बहन आई इधर घर पे, सब पब्लिक जुट गई, मेरे को नहीं मालूम कुछ चोट भी तो नहीं कुछ भी नहीं लगे, आजू बाजू वाले थे सब देखे। तो आप अभी मौजूद? मैं अभी मौजूद हूँ, मैं देखी नहीं कि कहाँ से आग लगा, कहाँ से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे को नहीं मालूम है। घर में और क्या क्या नुकसान हुआ? अब मैं देखी नहीं घर में क्या हुआ, अभी यहीं आई बैठी, पूरा जल गया, कुछ भी नहीं होएगा। घर में मेरा बहुत सामान था, घर में बहुत सामान था, इसीलिए तो रो रही। मैं बाजू में रहती हूँ, तो मैं समझी क्या ऐसे कोई बात से ऐसा कुछ जलाते बच्चे लोग तो आ रहेगा, कुछ ज़्यादा आने लगा तो मैं दरवाज़ा ठोकी उनका, तो बच्चा सोया था शायद, वो नहीं खोला, फिर एकदम ज़ोर ज़ोर से फिर इनको आवाज़ दी तो वो भी नहीं खोले, फिर ये आवाज़ आई तो बोले हाँ मैं आ रही बोल के, तो फिर मैं चिल्लाने लगी, बहुत ज़्यादा अंगार निकले, चिल्लाने लगी तो सब आदमी लोग आके जमा होके, फिर तो सब आदमी लोग आके पानी पीनी डालने से हो गया सब, जब तक अंगार पूरी बाहर फेंक रहा था पूरी। अच्छा, ये जब आग लगी तो उसके बाद जब आप लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचित किया, तो फायर ब्रिगेड कितने देर के बाद पहुंची? आधा घंटा, आधा घंटा आग बुझ चुकी, आग सब बुझा दिए थे बच्चे लोग। घर जो है उसका सामान जो पूरी तरह जल के खाक हो चुका है। जी जी, मतलब किसी की जान माल की कोई हानि नहीं हुई? नहीं नहीं कुछ नहीं हुई। इस चाली का नाम क्या है? दीदी चाल। इस घर को छोड़ के बाकी जो बाजू में और भी घर है? हाँ, मेरा घर में तो कोई नुकसान नहीं? नहीं नहीं नहीं, नहीं कुछ नहीं हुआ। नहीं। अच्छा, जब ये घटना हुई तो उस समय घर में कितने लोग मौजूद थे? एक ही बच्चा, खाली छोटा लड़का था, 9-10 साल का लड़का था। बच्चा अकेला था? हाँ अकेला था, सो रहा था, उसको मालूम ही नहीं क्या हो रहा है। जब वो एकदम धुआं ज्यादा हो गया ना तो भाग के आया है वो। घर के और लोग कहाँ थे? बच्चा तो ये गए थे, वो कहते बाहर गए थे, उनकी अम्मी आए थे शायद छोड़ने, भी नहीं गए थे, नहीं पता हमको, तो वो छोड़ने गए थे शायद।
तो घर में आग लगी इसकी सबसे पहले जानकारी किसको मिली? मैं देखी, मैंने देखी जी। तो जब आपको मालूम पड़ा फिर आपने क्या की? पुलिस सब चिल्लाई, मैंने सबको सब जमा करी, मैंने सबको। ये पूरा ऊपर धुआं फेंक रहा था ना, तो मैं घर में नमाज पढ़ रही थी, नमाज पढ़ रही थी, एकदम धुआं आ रहा था, तो फिर मैंने सबको जमा करी, मैंने चिल्ला जी। मैं बाजू में रूम में मेरा। जिसका घर जल गया है, महिला काफी चिंतित है, दुखी है, क्योंकि घर में रखे कीमती सामान सब जलकर खाक हो गई है। फिलहाल यहाँ पर कोई जनहानि की नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इस घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई थी। लोगों ने घर के पतरे को तोड़कर जल रहे घर को आग बुझाने में काबू पाया है, और उसके बाद फायर ब्रिगेड वहाँ पर पहुँची। लगभग आधे घंटे बाद फायर ब्रिगेड पहुँची है, तब तक जो है स्थानीय लोगों ने घर को जो जल रहा था उसे बुझा लिया है। और जिसका घर जल गया, महिला काफी चिंतित है, दुखी है, क्योंकि घर में रखे कीमती सामान सब जलकर खाक हो गई है। फिलहाल यहाँ पर कोई जनहानि की नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इस घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई थी। लोगों ने घर के पतरे को तोड़कर जल रहे घर की आग बुझाने में काबू पाया है, और उसके बाद फायर ब्रिगेड वहाँ पर पहुंची। लगभग आधे घंटे बाद फायर ब्रिगेड पहुंची है, तब तक स्थानीय लोगों ने उस घर को बुझा लिया था, आग पे काबू पाया था। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।